बूंद बूंद से सागर, कण कण से पहाड़, हाथ में हाथ से एकता, अक्षर अक्षर से कथा, धागे धागे से रस्सी, कोशिश कोशिश से जीत। आइए चले उस पगडंडी पर जो ले जाए हमें अपनी मंजिल के करीब। आपके सपनों को रोशनी दिखाता सुनिए बूंदे पॉडकास्ट पर पगडंडी, एक नई राह की ओर। हे भगवान, गर्मी की छुट्टियां और बच्चों का शोर, मैंने सोचा इनको समर कैंप में डाल दूं, पर फुटबॉल, डांसिंग, सिंगिंग, ये सब तो बच्चे घर में ही सारा दिन करते रहते हैं, तो और क्या। अरे पेंसिल ड्राइंग मेड इसी के बारे में नहीं सुना? ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिससे बच्चे ऑनलाइन पेंसिल ड्राइंग बनाना सीख सकते हैं, वो भी बिल्कुल आसानी से। ड्रॉइंग्स ऐसी जैसे असली हो, बस आपको सिर्फ पेंसिल और कागज चाहिए। और तो और, ये आपको सिखाएंगे इंटरनेशनल रेनाउंड आर्टिस्ट नॉलन क्लार्क। ये प्रोग्राम मोबाइल, लैपटॉप या डेस्कटॉप पर भी सीख सकते हैं। तो सोच क्या रहे हैं, अपने बच्चों और अपनी कल्पनाओं को दी नई उड़ान। डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर अभी क्लिक करें और इस प्रोग्राम को डिस्काउंटेड प्राइस पर एनरोल करें। अरे वाह, ये तो मैं भी सीख सकती हूँ। बच्चों इधर आओ जरा। पईयां गर्मी दियां छुट्टियां हुण लैणे ने नजारे, खिच लई तैयारी नानकियां नूं, फेर कठियां होना सारे। साल बाद मुड़ आईयां छुट्टियां, हुण फेर पौणे असी खलारे। इक जगा ना टिके बैणा, कदे वेड़े कदे चुबारे। बूंदे दी पॉडकास्ट सर्विस विच वड्डियां दे नाल नाल खास तौर ते बच्चियां दा बहुत बहुत स्वागत। ते मैं हाँ तुहाडी दोस्त जसलीन कौर, हाजिर हाँ लैके एक नवी पेशकश जो कि बहुत खास होने वाली है साढ़े प्यारे प्यारे बच्चों के लिए, जिदा नाम है पगडंडी नवे रावल, जो कि बहुत खास होएगी साढ़े बच्चों लिए। बच्चों मैनू पता लग गया है कि तुहानू सारिया नू गर्मी दियां छुट्टियां हो गई ने। आई होप तुसी अपनी छुट्टियां का आनंद लै रहे होवोगे। ते मैं भी ये सोचा कि क्यों ना बच्चों दियां छुट्टियां नू होर भी ज़्यादा इंट्रस्टिंग बनाया जाए। बच्चों जिवें हुण तुहानू सारिया नू गर्मी दियां छुट्टियां हुई ने, ते तुसी सारिया ने कोई ना कोई प्लान तो जरूर किया होना है कितने ना कितने घूमन जाण दा। ते ऑब्वियसली तुसी अपने नानके भी जाओगे, है कि नहीं बई। मैं तो छोटे हुंदिया गर्मी दियां छुट्टियां हुंदिया ही नानके जाण दी तैयारी कर लैंदी सी। बड़ा मजा आउंदा सी, सारे बच्चे इकट्ठे हो के बहुत खेडां खेडदे सी, पूरा दिन इधर उधर फिरदे रहना, ते कई बार मम्मी तो झिड़कां भी पै जांदियां सी। तुहानू भी तो पैंदियां ही होणगियां, है ना। फिर जदों शाम नूं थक हार के नानी नाल सौना, तां नानी ने बातां पाउणियां शुरू कर देणियां। बच्चों तुहानू पता है बातां की हुंदियां ने? तुसी सोच रहे होवोगे कि शायद मैं गल्लां बातां वालियां बातां दी गल कर रही हां। ना, बिल्कुल भी नहीं, मैं गल कर रही हाँ बुझारत दी। जी हाँ बच्चों, बुझारत हुंदी है एक प्रश्न जो कि कविता दे रूप विच एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति नूं उसकी बुद्धि परखण लई पुछया जांदा है। ते इस तरह एक शाम जदों मैं नानी नाल पई सी, तां नानी ने मैनूं भी एक बुझारत पाई। वह बुझारत सी, ना इहदे हथ ना ही पैर, फिर भी करदा थां थां सैर। तुहानूं पता है इहदा उत्तर की होएगा? शायद तुहाडे विच्चों कईआं नूं इहदा उत्तर नहीं पता होएगा, मैनूं भी नहीं सी पता। मैं उदों काफ़ी देर तक इहदा जवाब सोचदी रही, ते सोचदिआं सोचदिआं मैनूं नींद आ गई। फिर अगली सवेर उठदिआं सारी मैं बुझारत दा उत्तर सोचण लग पई, पर मैनूं कोई उत्तर ना सुझिआ। नानी ने मेरा चेहरा उतरे देख मेरे हाथ ते पैसे रख दिते, ते कहा जा कुछ खाण लई ले आ, ते नाल ही ये भी दस्या कि तेरी बुझारत दा उत्तर भी तेरे हाथ विच ही है, मतलब पैसा। जी हाँ बच्चों, उस बुझारत दा उत्तर सी पैसा। तां किवें लगी तुहानूं इह बुझारत, मैनूं जरूर दस्यो।
किन्ने चंगे सी ओ दिन ते तारियां वालियां रातां जदों वेड़े दे विच पै के नानी ने पौणियां बातां खिच लैणी उदों असां तैयारी जदों होणियां छुट्टियां दियां शुरुआतां नानके जाण दा चा एडा के नाल चकणियां ना किताबां सारा दिन मौज मस्ती विच लंघना फिर मिलदियां झिड़कां दियां सौगातां खुले वेड़े विच मंजे डा के करनियां इधर उधर दियां बातां किन्ने चंगे दिन सी ओ ते तारियां वालियां रातां जदों वेड़े दे विच पै के नानी ने पौणियां बातां बच्चिओ हुण वेला हो गया है मेरे जाण दा पर जाण तों पहलां मैं तुहानूं इक बुझारे जरूर पौणी है जरा गौर नाल सुणिओ आर टांगां पार टांगां विच टलम टलियां आण कुंजां देण बच्चे नदी नहावण चलियां मैं एक बार फिर दोहरा रही हां ध्यान नाल सुणिओ आर टांगां पार टांगां विच टलम टलियां आण कुंजां देण बच्चे नदी नहावण चलियां इहदा जवाब तुसी भेज सकदे हो साडी ईमेल आईडी ते साडी ईमेल आईडी है boonde.podcast@gmail.com boonde.podcast@gmail.com ਤੁਸੀਂ ਬੂੰਦੇ ਪੋਡਕਾਸਟ ਨੂੰ ਸਪੋਟੀਫਾਈ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਦੋਸਤ ਜਸਲੀਨ ਕੌਰ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵੇਗੀ ਕੁਝ ਰੋਚਕ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਬਾਏ ਚਾਏ ਇਸ ਨਾਟ ਜਸਟ ਅ ਕੱਪ ਆਫ ਟੀ चाय एक इमोशन है हमारे सरदर्द का सलूशन है सिर्फ और सिर्फ चाय पे ही चर्चा कामयाब हो सकती है और चाय आसाम की हो तो फिर वाह भाई वाह क्या बात है बट असल में क्या हमें पता है ये एक प्याली चाय हमें कितना नुकसान देती है लेट्स ट्राई टू रिप्लेस नॉर्मल दूध वाली चाय टू ए हेल्दी कप ऑफ ग्रीन टी जो हमारे इम्यूनिटी को बढ़ाता है कोविड में भी हेल्प करता है और तो और ये माना गया है कि कुछ हद तक ये कैंसर जैसी दर्दनाक बीमारी को भी क्योर करने में भी हेल्प करता है टू ऑर्डर असम्स ऑथेंटिक एंड ऑर्गेनिक होम ग्रोन ग्रीन टी यू मे DM और कॉल 8800300271